नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे हमने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था कि इस साल कौन कौन सी फसलों में ज्यादातर भाव रह सकते हैं, रेट अच्छे से मिल सकते हैं, कौन सी फसल में ज्यादा रिस्क रह सकता है, कौन सी फसल में कम रिस्क है, उसके अनुसार हमें कैसा मैनेजमेंट करना चाहिए, कौन सी फसलों का चुनाव करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके भी कारण बताए थे। और जो जो चीजें हमने बताई थी आप देख लेना, वैसा ही हुआ, आपको बहुत सारा फायदा भी हुआ था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही डेटा से आपको कुछ बातें बताने वाले कि इस साल कुछ आपकी जो फसलें होंगी, जैसे कि उदाहरण के लिए टमाटर मिर्च का कंपैरिजन हो गया, मक्का और सोयाबीन का कंपैरिजन हो गया, तो इनमें से कौन सी फसल करनी चाहिए, या फिर जो भी आपने फसल का चुनाव किया है वो सही रहेगा या थोड़ा गलत होगा, तो इसके बारे में भी जानने वाले पिछले डेटा से, मतलब पिछले साल जो भी प्रक्रिया हुई थी उसी के अनुसार आगे हम बढ़ने वाले। यहाँ पे एक बात मैं नोटिस करा देना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, शपथ विधि वगैरह सब हो चुका है, अभी कार्यकाल चालू हो जाएगा। तो कार्यकाल चालू होने से पहले मेरे हिसाब से बीजेपी को भी एक ध्यान में आ गया होगा कि भाई किसानों की तरफ ध्यान देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सभी कार्य अच्छे थे, बुरे कुछ भी नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा अगर ध्यान अगर किसानों के ऊपर होता तो बात और कुछ होती, आपको एक संगठन बनाने की भी जरूरत नहीं होती और बहुमत के साथ आप आ जाते। हालांकि वो सब्जेक्ट अलग है, हमारा फोकस हमारी फसलों के ऊपर होना चाहिए। तो भाई एक अविभाज्य भाग है, एक मौसम जो होता है मौसम के ऊपर और सरकारों के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे फसलों के दाम इन्हीं के कार्यप्रणाली के ऊपर रहते हैं। जैसे कि ज्यादा बारिश हो गई, नुकसान हो गया, तो जो बच जाते हैं उनको रेट मिल जाता है। अगर कम बारिश हुआ, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो रेट कम मिलते हैं। तो उसी तरीके से सरकार के अंदर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो रणनीति होती है उसके ऊपर भी हमारे फसलों के दाम रहते हैं। तो चले इसी के साथ साथ शुरुआत कर लेते हैं कि भाई पिछले साल का क्या डेटा था। तो पिछले साल की बात करें तो भाई पिछले साल जितना भी एक्सपोर्ट हुआ था, मतलब हमारे देश से दूसरे देश में जितना भी एग्रीकल्चर के जो जितने भी एक प्रोडक्ट है या फिर माल है, सब्जियां है, वो जितने भी एक्सपोर्ट हुई थी वो बहुत ही कम हुआ था उसके भी पिछले साल की तुलना में। मतलब पिछले साल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ही कम हुआ था। अभी इसके पीछे और भी कुछ कारण है, जैसे कि भाई सूखा पड़ा था तो देश की जनता को सस्ते में खाना खिलाना है वगैरह वगैरह। तो आपने देखा टमाटर भी बाहर से इंपोर्ट किए गए थे, प्याज के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, अंगूर हो गया या फिर संतरा हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। तो ये सब चीजें, हालांकि हम आशा करते हैं कि इस साल अभी इलेक्शन भी बाकी है, राज्य स्तरीय जो भी इलेक्शन होने वाले हैं वो बाकी है, तो उसकी उसके लिए भी मेरे हिसाब से अभी 2-4 महीने तक अगर रेट अच्छे रहेंगे तो बीजेपी को कुछ अच्छा हो सकता है, वो उनके भले के लिए, लेकिन हमारे भले के लिए क्या हो सकता है अभी जान लेते हैं। तो सबसे पहली वाली बात, अभी यहां से पहले जो भी फसलें हमने किया था उसमें भी हमने देखा कि भाई सोयाबीन के रेट हो गया, बाकी के फसलों के रेट हो गए वो बहुत ही कम थे। तो हमने पिछले साल क्या रणनीति बनाई थी कि भाई जो भी फसल आप रख नहीं सकते या फिर उसका कीपिंग क्वालिटी बहुत ही ना के बराबर है, मतलब जो जल्दी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ऐसी फसलों में हमें जो भी रेट है वो मिलने की ज्यादा संभावना है। तो हमने पिछले साल वही वाला चीज किया था। क्या किया था हमने, ये किया था कि भाई जो भी फसलें स्टोर की नहीं जा सकती उन्हीं फसलों के ऊपर ध्यान दिया और हम अच्छे से सर्वाइव कर पाए। अभी इस साल भी क्या करना है आपको, ऐसे ही फसलों को तो आपको चुनाव करना है, लेकिन उसमें भी कंपेरिजन हो गया है। जैसे कि अभी टमाटर और मिर्च में कौन सा वाला फसल करे, तो हमने जिस तरीके से पोल लिया तो इस तरीके में हमें पता चला कि भाई इस साल टमाटर का प्लांटेशन ज्यादा हो रहा है, तो टमाटर का प्लांटेशन ज्यादा हो रहा है तो मिर्च का कम हो रहा है, तो आप मिर्च की तरफ बैंगन की तरफ भी फोकस कर सकते हो। ये सबसे पहला वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी मक्का और सोयाबीन के अंदर बात करें तो भाई सोयाबीन को रेट नहीं है, तो सोयाबीन के पीछे भागने वाले बहुत सारे कम किसान है, मजबूरियों में कुछ किसान सोयाबीन जैसे फसल का चुनाव कर रहे हैं, ज्यादातर लोग मक्के की तरफ भाग रहे हैं। तो मक्का और सोयाबीन की तुलना में मेरे हिसाब से तो लगता है सोयाबीन का प्रोडक्शन कम होगा तो रेट ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी तरीके से अनुमान लगाकर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हर एक की विचार प्रणाली अलग अलग होती है, हर एक एक एंगल से देखता है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, जिसके रिजल्ट बहुत ही तगड़े आते हैं। तो अगर हम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरे हिसाब से आपको इस साल के लिए तो सबसे बढ़िया वाला चीज यही है कि भाई जो चीजें स्टोर करके रख सकते हो उनको ना ही करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई या फिर अपना पेस्टिसाइड के रिजल्ट्स हो गए या फिर उनके दाम भी हो गए, सब दोगुना बढ़ चुके हैं।
तो इससे बचना है तो अनिर्मित चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। आगे भी हम कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए जरूर लाते रहेंगे इस मुसीबत की घड़ी में, अभी मुसीबत की घड़ी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई देखो अगर हमारे अगल बगल के देशों से अगर अच्छे संबंध अगर हो गए तो वहां पे एक्सपोर्ट होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होगा, अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ तो भाई किसानों को किसानों के जो भी एक आमदनी है वो अच्छी तरीके से होगी। लेकिन ये संबंध अच्छे होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहे, तो इसीलिए थोड़ा बच बच के ही चलना पड़ेगा। जितने भी हमारे सदस्य है उनके लिए जानकारी थी, अगर आप सदस्य नहीं है तो भाई बन जाओ, इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आगे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।